नासिर जुवेद हत्याकांड के बाद नूह हिंसा मामले में फंस चुके कथित गोरक्षक मोनू मानेसर के लिए तीसरा जी का जंजाल पैदा हो गया है। मोनू मानेसर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ याराना काफी महंगा पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोनू मानेसर की वीडियो कॉलिंग वायरल हो गई है और इस वीडियो वायरल होने के बाद अब मोनू मानेसर के लिए तीसरी हथकड़ी भी तैयार हो गई है। मोनू मानेसर की लॉरेंस बिश्नोई के साथ बातचीत कोई आम मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती है। लॉरेंस बिश्नोई के पहले भी जेल से दो वीडियो वायरल हो चुकी हैं और उसके चलते पंजाब सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी और उसके बाद उन्हें अमृतसर जेल में कड़ी सुरक्षा में बंद किया गया था। लेकिन जिस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई बसोदी के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए वीडियो कॉलिंग कर रहा है, कि जिस तरह से वो मोनू मानेसर के साथ बिल्कुल फ्रेंकली बात कर रहा है, उससे साबित हो जाता है कि उनकी दोस्ती नई नहीं है बल्कि पुरानी है। एक तरफ आप वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मोनू मानेसर गाड़ी चला रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में आराम से उसके साथ बात कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को ना कोई डर है ना कोई खौफ है और वो बिल्कुल बेखौफ होकर वो मोनू मानेसर से बातचीत कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए तो इससे ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं होगी क्योंकि उसका रुतबा उसका खौफ सिस्टम के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन मोनू मानेसर के लिए एजेंसियों से बचना आसान नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मोनू मानेसर को नासिर हत्याकांड में राजस्थान पुलिस की जांच पड़ताल से गुजरना पड़ रहा है और वहां उसके फंसने के प्रबल आसार हैं। राजस्थान पुलिस उसको लेकर पूरी सख्ताई के साथ बातचीत कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है और तमाम सवालों के जवाब उसे हासिल कर रही है। नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर की भागीदारी को लेकर भी कई सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, इसलिए वहां से उसका बचना आसान नहीं होगा। केस नंबर दो यानी नूह हिंसा मामले में भी मोनू मानेसर के लिए बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी रुकावटें हैं और उसके लिए समस्याओं की भरमार है। मोनू मानेसर के खुद के वीडियो बयान इस मामले में उसे फंसाने का काम करेंगे, क्योंकि नूह हिंसा मामले में सबसे ज़्यादा कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जिन्होंने माहौल को खराब करने का काम किया। मोनू मानेसर के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उसके चलते ही दूसरे समुदाय के लोगों में आग भड़की, उनमें तनाव आया और इसके चलते ही नूह में बड़ा फसाद हुआ। इस मामले में सबसे ज़्यादा उकसाने की कार्रवाई का ठीकरा मोनू मानेसर के सिर पर पड़ेगा, क्योंकि मोनू मानेसर ने चैलेंज देकर शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था, इसलिए इस मामले में भी मोनू मानेसर का बचना आसान नहीं है। लेकिन मोनू मानेसर के लिए इन दोनों मामलों से ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा गंभीर मसला लॉरेंस बिश्नोई के साथ बातचीत का है। लॉरेंस बिश्नोई देश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में शामिल है और उसके साथ मोनू मानेसर की दोस्ती ने पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने मोनू मानेसर के साथ इतनी आसानी से बातचीत कर ली है। और मोनू मानेसर के लिए भी कई सवालों के एक लिस्ट तैयार हो गई है। मोनू मानेसर को अब जवाब देना होगा कि वो लॉरेंस बिश्नोई से कब से बातचीत कर रहा है, कितनी बार उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉलिंग की है और उससे क्या क्या बातें हुई हैं। ये सारी की सारी बातें अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कहीं ना कहीं मोनू मानेसर के लिए भी बड़ी सजा भी खड़ी करेंगी। इन बातों का लॉरेंस बिश्नोई तो आदि हो चुका है, उसके साथ पंगा लेना, उसके साथ छेड़छाड़ करना और उसको बड़ी सख्ताई से पेश आना सुरक्षा एजेंसियों के काफ़ी अधिकारियों के लिए आसान नहीं है। लेकिन इन सब के लिए मोनू मानेसर एक छोटा सा प्यादा है, छोटा सा बकरा है। मोनू मानेसर को प्रेशर में लेकर अब पूरे सिस्टम की एजेंसियां उससे पूछताछ का काम करेंगी और उसे सारे राज उगलाने का काम करेंगी। मोनू मानेसर अब लंबे समय तक गुरुग्राम पुलिस के दायरे में रहेगा, पूछताछ के दायरे में रहेगा। गुरुग्राम पुलिस इस वीडियो कॉलिंग को लेकर अब मोनू मानेसर से गहन पूछताछ करेगी और उसे सारे सवालों के जवाब उगलने का काम करवाएगी। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोनू मानेसर की बातचीत आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इस बातचीत के जरिए साबित हो जाता है कि मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई की ये पहली बातचीत नहीं है। दोनों जिस तरह से हंसकर बात कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों की दोस्ती पुरानी है, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है और लॉरेंस बिश्नोई बेखौफ होकर बड़े हंसी मजाक के साथ उससे बातचीत कर रहा है। इसी तरह से मोनू मानेसर भी जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथ बातचीत कर रहा है, वो भी इस बात का संकेत है कि वो पहली बार बातचीत नहीं कर रहा है बल्कि वो भी एक पुराने दोस्त की तरह उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है।
ये वीडियो बेशक से छोटा है लेकिन इस वीडियो का मैसेज बड़ा है, इस वीडियो का मैसेज दूर तक जाएगा और कहीं ना कहीं वो मोनू मानेसर के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी करने का काम करेगा। मोनू मानेसर इस फील्ड में बेशक नया है, बेशक लॉरेंस बिश्नोई के साथ बातचीत करके ज़्यादा चर्चा में आ गया है, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से मोनू मानेसर के लिए अब दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी तक तो मोनू मानेसर सिर्फ नासिर हत्याकांड और नूह हिंसा मामले को लेकर ही चर्चाओं में था, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलग नज़रिए से उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो वायरल होने के बाद मोनू मानेसर भी अब हिट लिस्ट में आ गया है और हिट लिस्ट में शामिल लोगों के साथ सुरक्षा एजेंसियां दूसरे नज़रिए के साथ पूछताछ करती हैं। अब कहीं ना कहीं इस वायरल वीडियो के बाद ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि मोनू मानेसर भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट का हिस्सा बन गया है, उसके सिस्टम का हिस्सा बन गया है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां मोनू मानेसर को हल्के में नहीं लेंगी, वो पहले से ज़्यादा गंभीरता के साथ उसे पूछताछ करेंगी और उसके लॉरेंस बिश्नोई के साथ रिश्तों को लेकर एक एक बात को जानने के लिए उससे लंबी बातचीत करेंगी, लंबी पूछताछ करेंगी और उसे सारे राज उगलवाने का काम भी करेंगी। यानी मोनू मानेसर के लिए अब जल्दी रिहा होने के दरवाजे बंद हो गए हैं, उसे अब लंबी पूछताछ से गुजरना पड़ेगा, उसे लंबे प्रेशर से गुजरना पड़ेगा और वो अब देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर रहेगा। मोनू मानेसर को अभी तक सिर्फ गोरक्षा सेवा के नाम पर ही एक पूरे नेक्सस को जमाने वाला, लोगों को डराने वाला, धमकाने वाला एक शख्स के तौर पर जाना जाता था, लेकिन नूह हिंसा के मामले के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी बातचीत का वायरल होना ये साफ तौर पर संकेत दे गया है कि मोनू मानेसर की जड़ें उस अंदाजे से ज़्यादा गहरी हैं जिसे अब तक सोचा गया था। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके संबंधों का खुलासा नहीं हुआ था, जिसके चलते उसे एक छोटा मोटा गोरक्षा के नाम पर लोगों को धमकाने वाला और पैसे वसूलने वाला शख्स माना गया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी वायरल वीडियो ने ये संकेत दे दिया है, ये संदेश दे दिया गया है कि वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है और बड़े सिस्टम के अंदर वो एक बड़े सफर पर निकल चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोनू मानेसर की दोस्ती ये साबित कर देती है कि वो नए इस रास्ते पर नहीं है बल्कि लंबे समय से वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। अब लॉरेंस बिश्नोई के सिस्टम को जानने के लिए पुलिस के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास मोनू मानेसर एक सबसे आसान रास्ता है। इस रास्ते को खोलने के लिए, इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए और लॉरेंस बिश्नोई के सिस्टम को जानने के लिए अब सारी की सारी एजेंसियां मोनू मानेसर के पीछे पड़ेंगी। वो मोनू मानेसर से लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुई एक एक बातचीत का ब्यौरा इकट्ठा करेंगी, उसकी बातचीत के मकसद को हासिल करेंगी और उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर भी मोनू मानेसर से तमाम तरह की तहकीकात करेंगी। यानी मोनू मानेसर के लिए लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती एक महंगा सौदा साबित होगी, जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए तो कुछ नहीं बिगाड़ने का काम करेगी लेकिन मोनू मानेसर को अब हिट लिस्ट में लाने का काम करेगी। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोनू मानेसर की बातचीत वायरल होने के बाद अब मोनू मानेसर एक अलग शख्स बन गया है और इस शख्स की गहराई में जाने के लिए जांच एजेंसियां कोई भी कमी नहीं रखेंगी। मोनू मानेसर के भविष्य को जानने के लिए, मोनू मानेसर की लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती की गहराई में जानने के लिए, मोनू मानेसर के नासिर हत्याकांड में रोल के लिए, मोनू मानेसर के नूह हिंसा में भूमिका को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।